शिवम से अनुरोध है कि आशीष यादव जी का मैच लगाकर स्वागत करें। और ये आउट मार बैठे दुगांव के खिलाड़ी, खाता खुला करकसा का, करकसा एक दुगांव शून्य। सर्विस करकसा की तरफ से अच्छी सर्विस कलेक्ट हुआ और ये ट्रैप डालने का प्रयास। कैप्टन सुबेदार पवार को कल स्वागत करेंगे। एक बार पुनः पॉइंट में बढ़ोतरी, करकसा दो दुगांव शून्य। अगर दुगांव को इस मैच में बने रहना है तो वापसी करनी पड़ेगी और अच्छे खेल का प्रदर्शन करना पड़ेगा, उन्हें मेहनत करनी होगी। अगर ऐसे ही करते रहे, खेलते रहे तो निश्चित तौर पर ये सेट भी करकसा अपने पक्ष में कर लेगी। अच्छे खिलाड़ी हैं, मजे हुए खिलाड़ी हैं, थोड़ा सा और ये अच्छी शॉट और बहुत सुंदर डिफेंस दुगांव द्वारा और बहुत सुंदर अटैकिंग। ब्लॉक को चीरती हुई बॉल ग्राउंड के बाहर गई, पॉइंट मिला दुगांव को। दुगांव का खाता खुला, दुगांव एक करकसा तीन। सर्विस दुगांव की तरफ से, सर्विस अच्छी सर्विस कलेक्ट हुई और ये बॉल और बहुत सुंदर अटैक, लेकिन पावर ज्यादा लगा बैठे करकसा के काउंटर अटैकर द्वारा। गेंद ग्राउंड के बाहर, पॉइंट मिला दुगांव को। दो और एक, मात्र एक एक अंक की लीड बची दुगांव को बराबर करने के लिए और ये बहुत सुंदर हाथ मारा गया करकसा के खिलाड़ी द्वारा। अंक मिला करकसा को 4-2। सर्विस करकसा की तरफ से और ये सर्विस अच्छी सर्विस कलेक्ट किया गया और ये सुंदर और अच्छा हाथ मारा गया और सुंदर डिफेंस और ये जाल में झूल बैठे करकसा के खिलाड़ी। पॉइंट मिला दुगांव को, दुगांव 3 करकसा 4। सर्विस कर दुगांव की तरफ से अच्छी सर्विस कलेक्ट हुई और ये बहुत सुंदर हाथ, ब्लॉकर समझ नहीं सके और बिल्कुल ओपन बॉल ग्राउंड पे लगी, सुंदर हाथ करकसा के खिलाड़ी द्वारा और एक अंक प्राप्त किया अपनी टीम के लिए। करकसा 5 दुगांव 3, अच्छी सर्विस और ये रिसीव हुआ और सुंदर हाथ, बहुत सुंदर डाइव मारकर गेम को कलेक्ट किया गया करकसा के खिलाड़ी द्वारा और मेहनत रंग लाई, पॉइंट मिला करकसा को और करकसा 6-3। पिछले सेट की बात, इस सेट में भी करकसा जो है 3 अंकों की बढ़त लेके चलती हुई और ये ड्रॉप डालने का प्रयास, लेकिन उतने ही मुस्तैद उधर जो कि करकसा के ब्लॉकर, बाल को निकलने नहीं दिया और पॉइंट अपनी टीम के लिए अर्जित किया। करकसा 7-3। सर्विस करकसा की तरफ से और ये अच्छी सर्विस कलेक्ट किया गया और ये ट्रैप डालने का प्रयास, लेकिन और बहुत सुंदर हाथ और उतने सुंदर डिफेंस दुगांव के द्वारा, लेकिन मेहनत रंग नहीं लाई, पॉइंट मिला करकसा को। करकसा 8 दुगांव 3। फर्स्ट टाइम आउट बाय दुगांव। इसलिए फतेहपुर टीम कैप्टन और कंजर टीम कैप्टन दोनों टीमें
में अपने खिलाड़ियों को तैयार रखे हैं और बहुत सुंदर हाथ बिल्कुल खुला हुआ ग्राहक और टप्पे पर लगा बैठे करकसा टीम के खिलाड़ी और एक पॉइंट अर्जित किया अपनी टीम के लिए। तीन अंकों पर बड़ी देर से रुका हुआ देवगांव टीम का स्कोर सर्विस करकसा की तरफ से और ये अच्छी सर्विस बहुत सुंदर और जंप सर्विस से एक पॉइंट अर्जित किया करकसा टीम ने 10-3 करकसा 10 देवगांव 3 और सर्विस करकसा की तरफ से और ये सर्विस अच्छी सर्विस देखते रह गए मात्र खड़े रहे समझ में ही नहीं आया कुछ देवगांव के खिलाड़ियों को और लगातार सर्विस से पॉइंट लेती हुई करकसा टीम और ये अच्छा हाथ देवगांव के खिलाड़ी द्वारा पॉइंट बहुत देर बाद एक पॉइंट अर्जित किया देवगांव 4 करकसा 11 और ये सर्विस देवगांव की तरफ से अच्छी सर्विस कलेक्ट हुआ और ये सुंदर हाथ ब्लॉक किया गया लेकिन हाथ पे लगने के बाद गेंद ग्राउंड के बाहर गई पॉइंट मिला करकसा को करकसा 12 देवगांव 4 सर्विस और ये आउट मार बैठे बहुत देर बाद एक गलती करती हुई दिखी करकसा टीम और पॉइंट मिला देवगांव 5-12 फतेहपुर वर्सेस कैंजर। इसके बाद जो टीमें खेलनी है वो दोनों टीमों के कैप्टन से हमारा निवेदन है कि अपने खिलाड़ियों को तैयार रखें और वार्म अप करते रहें क्योंकि हम ग्राउंड पर वार्म अप करने का मौका नहीं देंगे। जैसे ही टीम आएंगी हम टॉस करा के गेम तुरंत स्टार्ट कर देंगे। हमारे पास टीमें बहुत ज्यादा हैं और मैच कराना है इसलिए दोनों टीमों के कैप्टन से निवेदन है कि वो अपनी टीम को तैयार रखें। सर्विस देवगांव की तरफ से अच्छी सर्विस जाल में फंसा बैठे और पॉइंट मिला करकसा को 14-6 गेम पॉइंट होगा करकसा की तरफ से। अगर ये पॉइंट बना लेती है तो वो लगातार 2 सेट जीत कर इस मैच को जीत लेगी और ये सर्विस अच्छी सर्विस से मात्र और पॉइंट अर्जित कर लिया और इस सेट को भी जीत कर ये मैच जीत लिया करकसा ने। कैंजर गांव के जो भी छोटे बच्चे